आज हम टीएच गरवाल का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारी एडमिशन चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50 अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेट्स फाइंड आउट। हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर दिए गए हैं, ओम और शिव, और इनका हमें बताया गया जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो होगा इक्वली। लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी गई है छोटी सी, जिसमें की एक डिटेल दी गई है और वो है हमारे पास एसेट्स और एक प्रोविजन बना है। एसेट्स में हमारे पास बताया है कि डेटर है। डेटर का मतलब क्या होता है, जिन लोगों से हमें पैसा लेना है। हमें कितना पैसा लेना है लोगों से, हमें 1.5 लाख रुपए लेना है। लेकिन हमने इसमें क्या करा, एक प्रोविजन बनाया है जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहलाता है। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है वो समझो। देखो बेसिकली जब भी हमें किसी से पैसा लेना होता है तो हमेशा क्या, हमें पूरा पैसा मिल जाएगा हमारे बिजनेस में। कभी कभी कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कोई हमारी ट्रांजेक्शन दे ही ना पाए, या फिर उस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हमारा पैसा बिल्कुल ही नहीं दे पाएगा। और हमारे रिलेशन अच्छे होने के कारण हो सकता है हम भी वो पैसा छोड़ना पड़े हमें, तो वो पैसा हमारा क्या जाएगा, डूब जाएगा। तो उसके लिए हम अंदमशन लगा लेते हैं पहले से ही कि भाई हमारा शायद इतना पैसा इतने में से डूब जाएगा। जैसे कि 1.5 लाख में से 15,000 रुपए शायद डूब जाएगा, तो ओवरऑल मेरे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 1,35,000, यानी कि 1,35,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, An amount of the 12,000 due from a Mohan, a debtor is to be written off as no longer receivable. ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ, एक मोहन एक पर्सन है जिससे हमें 12,000 रुपए लेने थे, तो उसके क्या हुआ, अब वो पैसा हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वहां से तो हमें कंफर्म होगा कि 12,000 रुपए हमारे डूब चुके हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन एट द करंट रेट। ये कह रहे हैं कि जो अब इसको 12,000 हटाने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर क्या करना है, हमें नया प्रोविजन बनाना है। उस पर क्या करना है, हमें नया प्रोविजन बनाना है। ठीक है, नया प्रोविजन नहीं बनाएंगे, लेकिन करंट रेट बोल रहे हैं। अभी करंट रेट हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी करंट रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो करंट रेट में हमें यह देखना है कि यहाँ पे जो 15,000 रुपए इन्होंने प्रोविजन बनाया है, इसकी परसेंटेज क्या रही होगी, ये किस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर दे रखा है जैसे प्रोविजन, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं करंट रेट के लिए। हम करंट रेट के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें फॉर्मूला होगा हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिवाइड बाय डेटर इनटू 100। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहां पे से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा यहाँ पे 15,000, फिर नीचे आएगा 1.5 लाख और इनटू 100 करेंगे। इससे क्या होगा, हमें इसे सॉल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 150/15, तो हम इसे क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 150/15। क्या ये हमारा किसी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये चला जाएगा 10 times। ये जो बचा, ये क्या बचा, ये 10% बचा, यही है रेट। तो इन्होंने क्या करा है, 1.5 लाख का 10% मेंटेन करा है, तो 15,000 आया। तो 15,000 में से फिर बचे 1,35,000 माइनस करने के बाद, है ना। तो ये परसेंटेज ऐसे आई, ये रेट फाइंड आउट करना था हमें। अब इन्होंने हमें कहा है कि हमें क्या करना है, जो हमारा 1.5 लाख में से एक्चुअल पैसा डूबा है वो कितना डूबा है, सिर्फ 12,000 रुपए डूबा है। और ये कहते हैं जो 12,000 डूब जाएगा पैसा, कितने में से, 1,50,000 में से, तो जो बचेगा उस पर क्या करो, करंट रेट के हिसाब से नया प्रोविजन बना लो। तो हमारा जो अभी जो पैसा था हमारे पास, जो हमें रिकवर करना था, वो था 1.5 लाख रुपए, जिसमें से कितना पैसा डूबा, सिर्फ 12,000 रुपए डूब चुका है। तो अभी हमारे पास कितना बचेगा, 1,38,000 बचेगा। अब वो कह रहे हैं जो हमारे पास रिमेनिंग डेटर है, इस पे क्या करो, आप करंट रेट पे नया प्रोविजन बनाओ। तो हम क्या करते हैं, करंट रेट पे नया प्रोविजन बनाते हैं, जो कि हो गया 10/100। 10/100 हमने यहाँ पे निकाला। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वो आएगी 13,800। अब आप यहाँ पे देखो, हमने क्या करा, 13,800 हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, 13,800 जो आया, ये हमारा नया प्रोविजन आया। पहला हमारे पास प्रोविजन कितने का मेंटेन था, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला हमारे पास मेंटेन था 15,000 रुपए का प्रोविजन। हमने अंदमशन लगा रखा था कि ये 15,000 रुपए हमारे डूब जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में 15 में कितने डूबे, हमारे सिर्फ 12,000 रुपए डूबे। मतलब मेंटली हम अभी भी तैयार थे, कितना पैसा और डूब सकता है, 3,000 और डूब सकता है, राइट। लेकिन अब नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कितना पैसा डूबने के चांसेस है, अभी भी डूबने के चांसेस हैं 13,800। ये नया जो प्रोविजन निकला है, ये क्या है, अब इसको हम नेक्स्ट टाइम यहाँ लिखेंगे।
तो 13,800 अभी भी डूबने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें से भी हम क्या थे, पहले से वेल प्रिपेयर्ड थे 3,000 रुपए के लिए, क्योंकि हमारे पास 3,000 एक्सेस बचे हुए हैं कि मेंटली प्रिपेयर हैं हम उसके लिए पहले से 3,000 के लिए कि भाई ठीक है हमारे पैसा तो डूबना ही था, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे पास एक्सेस था हमारे पास प्रोविजन का, वो क्या करेंगे यहाँ से लेस करेंगे। तो एक्चुअल जो पैसा हमारा डूब रहा है वो कितना डूबेगा, 10,800। चलिए तो ये निकल गया हमारा आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में आएगा वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि टीएस ग्रेवाल का सॉल्यूशन यूट्यूब के इस चैनल पे आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज, वो भी सारे एक एक सॉल्व कर। चलिए फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।